मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। स्वामी ओम जी के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। अरे भाई, वही जो बिग बॉस में अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते थे और बाहर आकर भी वो सुर्खियों में बने रहने की पूरी जुगाड़ में लगे हुए हैं। हाल ही में स्वामी ओम जी पहुंचे एक न्यूज़ चैनल की डिबेट में। यहाँ पर बात चल रही थी वुमन सेफ्टी को लेकर और यहाँ पर बातों ही बातों में स्वामी ओम जी ने औरतों के खिलाफ बहुत कुछ कहा कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इस पर वहाँ मौजूद बीजेपी के लीडर नुपुर शर्मा ने स्वामी ओम जी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है स्वामी ओम जी कि हम अपने देश के मर्दों की मेंटेलिटी बदलें। आप ये ना कहें कि लड़कियाँ चीनी की तरह होती हैं इसलिए चींटी चिपकती है, लड़कियाँ गुड़ की तरह होती हैं इसलिए उस पर मक्खी आती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि मर्द भी गोबर बन जाएं, गोबर का सफाया ना हो, वो गंदगी फैलाते रहें? हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि औरत को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और मर्दों को कैसे। नुपुर शर्मा की लताड़ सुनकर स्वामी जी थोड़े नरम पड़े। उन्होंने कहा कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, हर साल नवरात्रि के मौके पर 1008 कन्याओं का पांव धोकर पूजा करता हूँ, लड़कियों के लिए मैंने स्पेशली संस्था भी बनवाई है, निर्भया कांड पर जो इतने आंदोलन हुए वो मैंने ही करवाए थे और मेरी वजह से ही कानून बदला। पर स्वामी जी की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों पर भी शो की फीमेल गेस्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने स्वामी ओम को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पूरी डिबेट में स्वामी ओम जी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही समझाते दिखे। वैसे भी स्वामी ओम जी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जो खुद वक्त वक्त पर लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर कीचड़ उछालते हों वो वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या बात कर सकते थे। पर हाँ, इन सभी बातों में स्वामी ओम जी बिग बॉस का जिक्र बिल्कुल भी नहीं भूले। बात बात पर उन्हें बिग बॉस की लड़कियां और बिग बॉस के कंटेस्टेंट जरूर याद आते रहे। फिलहाल इसी के साथ वन इंडिया